हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की हिंदी वसंत का 10th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कामचोर। कामचोर चैप्टर जो है ये एक बहुत ही सुंदर और हास्यास्पद कहानी है जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। और हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम कामचोर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जिन्हें काम करने की लत या आदत नहीं है, सारा उनका काम नौकरों के भरोसे होता है और जब स्वयं उनके काम करने की बारी आती है तो वो काम करते तो हैं ही नहीं हैं बल्कि उस काम को बनाने की जगह उसे बिगाड़ देते हैं और इस तरीके से बिगाड़ते हैं कि काम होने या घटने की बजाय काम और बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को यहाँ कामचोर कहा गया है जो कुछ तो उन्हें आता है नहीं है, सारा काम उनका नौकरों के भरोसे ही रहता है और खुद खाते रहते हैं और खा खा कर मोटे हो गए हैं। तो चलिए, वो सारे के सारे कामचोर बच्चे जो दूसरों के काम में मदद तो छोड़ो स्वयं का काम भी नहीं कर पाते हैं, शरीर से मोटे हैं और यदि किसी का कभी कोई काम करते भी हैं या अपना भी कोई काम करते हैं तो इतनी तहस नहस कर देते हैं कि सब कुछ बिगाड़ के रख देते हैं और काम बढ़ा देते हैं। तो ये कामचोर उन बच्चों के लिए ही यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में कैसे कामचोर नहीं बनना है और यदि हम कामचोर बन गए, अपना काम भी हमने नहीं किया या दूसरों की मदद करना भी नहीं आया, तो किस तरीके से हमें लॉस हो सकता है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे बच्चों ने किस प्रकार से धुआं चौकड़ी मचाई हुई है और ये कामचोर बच्चे ही हैं जो कि सारा काम घर के लोगों का बिगाड़ देते हैं। देखिए, बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच यह ख्याल आया है कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिला हिला कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भींगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब लीजिए, अम्मा जी ने गुस्से में यह फरमान सुना दिया कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उन्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। अब रात का खाना या कहें काम करने की तनख्वाह या जैसे उन्हें बता दी गई हो, उसके चक्कर में बच्चे काम करते हैं और किस प्रकार से सारा काम बिगाड़ते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब बच्चों को देखिए, मालीगिरी का काम भी मिल गया। ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अम्मा जी को तो पता था कि ये काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अम्मा जी ने तो मना किया कि मत करवाओ, लेकिन फिर भी बच्चे तनख्वाह की लालच में लग गए। अब देखिए क्या होता है कि एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ने
पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और ग्लास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस ढींगा मुस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लतपत हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे, चल दड़वे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगीं। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के बर्क लगा रहती थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल का ऊँट मतलब बिना किसी लगाम के यहाँ वहाँ भाग रही थीं। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। दड़बे से मतलब है जो मुर्गियों का घर होता है, उसमें प्रवेश करने के लिए वो राजी ही नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाँ तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ीं तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोई को दे रही थीं। अब रसोइयों को जो फलियां तोल कर दे रही थीं, वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इसका मतलब है वो सारी की सारी फल सब्जियां खा गईं। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर
चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी की हो गई, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी जिस समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। इस प्रकार से अम्मा चिल्लाती हुई, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, अर्थात उनकी क्लास ले ली। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। इस प्रकार से उन कामचोर बच्चों को जैसे काम दिया गया तो उनने सारा का सारा काम बिगाड़ दिया, घर में और मुश्किलें बढ़ा दीं। और जब उनसे काम छीन लिया गया कि रहने दो, आप मत करो, कोई भी किसी भी चीज़ को अब हाथ नहीं लगाएगा, तो बच्चों ने ये भी तय कर लिया कि ठीक है, तो फिर अब हम हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे, अर्थात हमें प्यास भी लगेगी तो हम नौकरों को बुलाएंगे लेकिन खुद अपना पानी नहीं पियेंगे। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने कामचोर चैप्टर देखा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मज़ा भी आया होगा। इस चैप्टर में सीधे सीधे यही बताया है कि कुछ बच्चे जिनको माता पिता ने पहले से कोई भी काम करना नहीं सिखाया था, एकमात्र नौकरों के भरोसे उनका काम था और वो मात्र खा खा कर मोटे होते जाते थे, लेकिन जब काम करने की बारी भविष्य में उनकी आई तो उनसे कोई भी काम नहीं बना और सारे काम उनने बिगाड़ दिए, मुश्किलें बढ़ा दी। तो ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को कामचोर नहीं बनाना चाहिए, दूसरों के काम नहीं तो कम से कम उन्हें अपने कामों के बारे में तो जानकार होना ही चाहिए, उन्हें छोटे मोटे काम अपने आना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि यदि वो दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के भी काम बहुत अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो काम करने के मामले में बच्चों को अनजान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कामचोर चैप्टर हास्यास्पद कहानी थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? तो कहानी में मोटे मोटे जो शब्दों का यूज़ किया गया है वो उन कामचोर बच्चों के लिए यूज किया गया है जो कि खुद का काम या कहें उनका काम तो नौकरों के भरोसे ही होता है, लेकिन वो बस घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं। इस प्रकार से मोटे मोटे ये शब्द उन कामचोर बच्चों के लिए ही यूज किया गया है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की दुर्दशा तो बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि बच्चों को स्वयं का काम तो आता ही नहीं था और जब भी वो कोई भी काम करने जाते थे तो उसको बिगाड़ देते थे। जैसे कि इसके उदाहरण में हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं कि बच्चों ने जो दरी वाला काम किया है, अर्थात उसकी धूल झाड़ने का काम, ठीक, इसके बाद फिर उन्होंने झाड़ू लगाने का काम किया तो किस प्रकार से वो सीखों की झाड़ू सब में बट गई, और उन्होंने भैंस को दूध दोहने का काम किया, मुर्गियों को पकड़ने का काम किया, यहाँ तक कि भेड़ों को भी दाना पानी खिलाने का काम किया, सारे के सारे काम बिगड़ गए और मुसीबतें ही सामने खड़ी हुई। तो इस प्रकार से सारी घर की दशा इस प्रकार से हो गई कि सब जगह कीचड़ कीचड़ मच गया, तहस सारा सामान तहस नहस हो गया, बहुत सारी चीज़ें टूट गईं, पानी के घड़े टूट गए, सारे बर्तन यहाँ से वहाँ फैले पड़े हैं। तो इस प्रकार से सारे घर की दुर्दशा ही हुई है, कोई भी काम सही से नहीं हुआ। थर्ड नंबर है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ?
ये अम्मा ने तब बोला जब अम्मा बच्चों के कामकाज या उनके सैतानियों से तहस नहस पने से परेशान हो गई, क्योंकि अम्मा जी को पता था कि ये बच्चे कामचोर हैं और इनसे अपना काम तो होता नहीं है, ये दूसरों का काम क्या करेंगे, और जो भी काम करने जाएंगे ये सारा का सारा काम बिगाड़ने ही वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं, मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। और जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उनकी मुसीबतों को देख करके, काम देख करके, उन्होंने गुस्से में आकर के यही कहा कि ऐसा करो कि या तो ये बच्चा राज कायम कर लो अर्थात सब कुछ इनसे करवा लो, या फिर मुझे ही रख लो। ठीक, तो या तो मैं काम कर सकती हूँ या फिर ये बच्चे ही काम कर सकते हैं, और ये बच्चे काम करेंगे तो मैं तो चली अपने मायके। इस प्रकार की धमकी अम्मा जी ने दे दी, जिसका असर ये हुआ कि पिताजी ने सारे बच्चों को डांटा, उन्हें लाइन से खड़ा करके और ये हिदायत दी कि अब कोई भी किसी भी सामान को इस घर में हाथ नहीं लगाएगा। ये नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ नंबर, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी एक हास्यास्पद कहानी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें अपने बच्चों को कभी भी काम के मामले में अनजान नहीं रखना चाहिए। यदि बच्चे काम के मामले में अनजान रहेंगे तो भविष्य में अपना काम तो कर ही नहीं पाएंगे, और दूसरों का काम करने और मदद करने की बात तो बहुत दूर है। इस प्रकार से बच्चों को स्वतः अपने काम करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से बस खा खा के मोटे होना और नौकरों के भरोसे रहना और कामचोर बनने का काम उन्हें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये सब जब हुआ, जब पिताजी ने सारे बच्चों के तहस नहस काम को देख करके उन्हें डांटा, और डांटने के बाद उनसे कहा कि अब कोई भी बच्चा घर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, तब उन कामचोर बच्चों ने ये निर्णय कर लिया कि यदि ऐसा ही है तो ठीक है, हैं कि हम तो पानी पीने के लिए भी नहीं हिलेंगे। इसका मतलब है उनने, ये कामचोर बच्चों ने निर्णय लिया कि हमें प्यास भी लगेगी तो हम नौकरों को ही बुलाएंगे, नौकर जब पिलाएंगे तभी हम पिएंगे, हम अपना काम भी स्वयं नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने निर्णय ले लिया, जो कि बहुत गलत था, जबकि ऐसा तो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो थे बच्चे कामचोर, उनको कोई काम बनता नहीं था, दूसरों के भरोसे थे, वो किसी के काम या मदद में आने वाले नहीं थे। इस प्रकार से ये कहानी से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी से आगे क्वेश्चंस हैं, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। देखिए, ये बात अच्छी है कि चाहे स्वयं का काम हो, चाहे दूसरों की मदद करना हो, अपने घर का काम हो या पड़ोसी के घर का काम हो, एक प्रकार से माता पिता की ये कर्तव्य या ड्यूटी बनती है, या कहें बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो अपने घर के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी उम्र के अनुरूप, उनके स्वभाव के अनुरूप उन्हें छोटे मोटे काम ज़रूर सिखाएं, कम से कम इतना काम तो सिखाएं ही कि वो स्वयं का काम खुद कर लें, और जब धीरे धीरे वह स्वयं का काम करना सीख जाएंगे तो आगे चल करके जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी, बड़े होते जाएंगे, वो अपने काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी सीख जाएंगे। ठीक, जैसे कि घर में अपने परिवार के लोगों का हाथ बटाना, और कभी कभी घर के बाहर के दूसरे लोगों का या सदस्यों का काम भी कर देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप पेरेंट्स को, माता पिता को, अभिभावकों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर सिखाना चाहिए कि वो अपने ऊपर ही डिपेंड रहें, कम से कम दूसरों के आदि या नौकरों के आदि वो ना हों, और इस प्रकार से कामचोर बच्चों की तरह पड़े पड़े खा खा कर मोटे ना हों, कि उनको ही भविष्य में काम करने में या अपने ही काम में तकलीफ़ हो। ठीक, तो इस प्रकार से जानना। नेक्स्ट सेकेंड है कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। देखिए, भरा पूरा परिवार सुखद बनने के लिए सीधा सा है कि उस घर में खुशियां तभी आ सकती हैं जब सारे के सारे लोग एक दूसरे की मदद करने वाले हों, और सभी लोग घर का सारा काम मिल बांट करके करने वाले हों, किसी एक या दो व्यक्तियों पर बोझ ना आने वाला हो, तभी काम हमारा उस घर में सुखद हो सकता है। लेकिन दुखद भी हो सकता है कि भरे पूरे परिवार में कोई अपना काम तो करता ही नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे से द्वेष भावना रखता है, या ये कहें कि ये सब उस घर के व्यक्ति स्वार्थी हैं और अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई किसी की मदद नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो एक उस परिवार में एक ऐसा माहौल बन सकता है कि वो वहाँ दुखद ही हो जाएगा, क्योंकि सब कामचोर की तरह ही काम करेंगे, दूसरों का करेंगे तो बिगाड़ेंगे, अपना करने में भी बहुत आलसी होंगे, तो इस प्रकार से काम कैसे चल सकता है। तो इसको जानना कि जो मदद करके, एक दूसरे की हेल्प कर करके काम करने वाले हैं, तो उस घर में बहुत सुखद घर है, सुखी परिवार है, और यदि ऐसा नहीं है, सब स्वार्थी हैं, तो समझना वहाँ पर दुखी परिवार है।
थर्ड नंबर का है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं और किस प्रकार भार, कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि ये बात तो सच है कि माता पिता को अपने बच्चों को जब से मतलब छोटे से ही उनको कम से कम उनकी स्वभाव और क्षमता के अनुरूप धीरे धीरे छोटे मोटे काम तो ज़रूर सिखाना चाहिए, और कम से कम इतने काम वो काम तो ज़रूर सिखाएं कि वो स्वयं का काम कर लें, जैसे स्वयं के जूते पहनना, स्वयं के कपड़े पहनना, स्वयं का पानी पीने के लिए गिलास उठाना या स्वयं की वस्तु को ही यूज में ले लेना। तो कम से कम इतना काम तो उन्हें सिखाएं कि बच्चे दुखी ना हों, अपना काम स्वयं कर लें, और जब वो अपना काम स्वयं करना सीख जाएंगे तो आगे चल के बच्चे माता पिता की हेल्प भी कर सकते हैं, उनके सहयोगी भी बन सकते हैं। तो किस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं कि बच्चे अपनी माता माँ की किचन में हेल्प कर सकते हैं, पिताजी के ऑफिस के काम में हेल्प कर सकते हैं, लिखा पढ़ी में अकाउंटिंग में हेल्प कर सकते हैं, पिताजी को कोई सामान चाहिए तो वो ला करके दे सकते हैं, ठीक, और पिताजी का ख्याल रख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें घर में, और भी दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे लोग हों तो उनका भी वो काम यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेक्स्ट है कामचोर कहानी, एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो देखिए कामचोर कहानी जो है वो तो इतने सारे बच्चे जब इस कहानी में है तो समझ लीजिए कि एकल परिवार तो नहीं है, ये संयुक्त परिवार ही है, क्योंकि एकल परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा तीन या चार लोग ही होते हैं, जैसे कि माता पिता और उनके बच्चे, एक बच्चा हुआ तो तीन सदस्य हो गए और दो बच्चे हो गए तो चार सदस्य हो गए। लेकिन संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे बच्चे हों, दादा दादी रहते हों, चाचा चाची रहते हों, ताऊ रहते हों, ठीक, तो बहुत सारे लोग होने के कारण से वो संयुक्त परिवार कहलाने लगता है। लेकिन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर है कि जो एकल परिवार है वह संख्या कम होने से स्वयं ही अपने काम पर डिपेंड रहता है, सारे के सारे काम उसके स्वयं के ऊपर ही आधारित रहते हैं, ठीक, तो उसे थोड़ा सा कष्ट झेल करके वो काम करना पड़ता है। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा होता है कि बहुत सारे सदस्य होने के कारण से घर का काम कई लोगों में बट जाता है और सहजता से काम हो जाता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करके उस काम को अंजाम दे देते हैं। तो संयुक्त परिवार ज़्यादा बेटर है एकल परिवार से, क्योंकि एकल परिवार में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, सारा का सारा बोझ कम सदस्यों के ऊपर ही आ जाता है, इस प्रकार से जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये कहानी से आगे के क्वेश्चंस भी देखे हैं। आगे जो अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन आ रहे हैं कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन परिस्थितियों में हो सकती है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और कहानी में इस परिवार के उधम बच्चों का चित्रण पढ़ करके हमें उनका कैसा चित्रण लगा है उसकी हम अनुमान और कल्पना कर सकते हैं, उनकी आदत कैसे बिगड़ी होगी, क्यों बिगड़ी होगी, या ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या उनको सुझाव दे सकते हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिन्हें आपको अपने मन के और अपनी इच्छा कल्पना के अनुसार लिखना है, चिंतन के अनुसार लिखना है, और बताना है कि इस चैप्टर को पढ़ करके आपको क्या प्रतीत होता है कि बच्चे ऐसे कैसे बिगड़ गए हैं, पेरेंट ने किस प्रकार ध्यान नहीं दिया होगा, या पर हमने क्या सुविधाएँ ऐसी दी गई कि वो कामचोर बन गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने विचारों के अनुसार इस पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये कामचोर वाला जो चैप्टर है हमारा यहीं पूर्ण होता है, और इस चैप्टर को पढ़ करके आपको ज़रूर बहुत मज़ा आया होगा और आप समझ गए होंगे कि कामचोर ये जो बच्चे हुए हैं उसका क्या रीज़न है और किस प्रकार से इन बच्चों को सुधारा जा सकता है, पेरेंट्स किस प्रकार से अपनी ड्यूटी कर्तव्य को निभा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। और कामचोर चैप्टर को पढ़ करके बच्चे कामचोर बिल्कुल ना बने, अपना काम करना स्वयं सीखें और ज़रूरत पड़ी तो दूसरों की भी हेल्प करें, ये शिक्षा हमें इस चैप्टर से मिलती है। बाकी चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और हास्यास्पद है, इसी के साथ आप इसको समझें, जानें और इसको फॉलो करें। धन्यवाद।